नमस्कार मित्रों, ऋषि चिंतन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का चैप्टर है माँ। गांव के सरकारी स्कूल में संस्कृत की क्लास चल रही थी। गुरु जी दीवार की छुट्टियों का कार्य बता रहे थे। तभी शायद किसी शरारती विद्यार्थी के पटाखे से स्कूल के स्टोर रूम में पड़ी दरी और कपड़ों में आग लग गई। देखते ही आग ने भीषण रूप धारण कर लिया। वहां पड़ा सारा फर्नीचर भी स्वाहा हो गया। सभी विद्यार्थी पास के घरों से हैंड पंपों से जो बर्तन हाथ में आया उसी में पानी भर भर कर आग बुझाने लगे। आग शांत होने के काफी देर बाद स्टोर रूम में घुसे तो सभी विद्यार्थियों की दृष्टि स्टोर रूम की बालक के छज्जे पर चल कर कोयला बनने पक्षी की ओर गई। पक्षी की मुद्रा देखकर स्पष्ट था कि पक्षी ने उड़कर अपनी जान बचाने का प्रयास तक नहीं किया था और वह स्वेच्छा से आग में भस्म हो गया था। सभी को बहुत आश्चर्य हुआ। एक विद्यार्थी ने उस जलकर कोयला बने पक्षी को धकेला तो उसके नीचे से 3 नवजात चूहे दिखाई दिए जो संकुचित थे और चहक रहे थे। उन्हें आग से बचाने के लिए पक्षी ने अपने पंखों के नीचे छिपा लिया और अपनी जान देकर अपने चूजों को बचा लिया था। एक विद्यार्थी ने संस्कृत वाले गुरुजी ने प्रश्न किया, गुरुजी इस पक्षी को अपने बच्चों के कितना मोह था कि उसने अपनी जान तक दे दी। गुरुजी ने तनिक विचार कर कहा, नहीं यह मोह नहीं है अपितु माँ के ममत्व की बड़ा काष्ठा है। मोह करने वालों ऐसी विकट स्थिति में अपनी जान बचाता और भाग जाता। भगवान ने माँ को ममता दी है और उस दुनिया में माँ की ममता से बढ़कर कुछ भी नहीं है। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव।